Hey guys, good morning. Welcome to new blog. मेरे तरफ से तो आप लोगों को तो पता चल गया हम लोग कहाँ जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? अरे वहाँ पर लिखा है यार नीचे. तो हम लोग में ना. हाँ तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे वहाँ का सीन, वहाँ का जगह कैसा कैसा है. तो मैं तो देखा नहीं हूँ भैया, देखें. मैं तो पहली बार जा रहा हूँ. देखा है लेकिन वही सामने गया नहीं. अरे छोड़ना यार. छोड़ना क्या छोड़ेंगे यार, नहीं छोड़ेंगे. तो चलो मिलते हैं फिर वहीं पर एंजॉय करते हुए. आइए हम लोग के साथ. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इधर चौक में. तो इधर हम लोग सलगाबार से आते हैं और इधर झारखंड, झारखंड देख सकते हो. और इस छोटा सा रास्ता हम लोग इधर अंदर घुसेंगे. उधर जोराम जाता है यार, जोराम सीधा. तो हम लोग जाने वाले हैं इस रास्ते पे. इधर आप देख सकते हो. ओ प्रो भाई. हाँ भाई. अदरे हाँ भाई. तो हम लोग इधर जाएंगे अभी. चलो जाएंगे राचाकोना. राचाकोना जहाँ पे कोना में ही है. हाँ फाइनली बोल दिए. चलो फिर मिलते हैं. अच्छा वहीं जगह है यार, आप लोग रोमांटिक गाना के लिए आ सकते हैं. रोमांटिक वीडियो जब बना रहे हैं तो गाना वाना शूटिंग के लिए तो अच्छा है. हम लोग ट्राई करेंगे. ये भाई नहीं दिखाया ना, तो कभी हम लोग शूटिंग करेंगे तो फ्यूचर. तो लोकेशन देखने के लिए जा रहे हैं. अच्छा है तो आएंगे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसके लिए. तो ये मिलते हैं और इंजॉय करते हैं वहाँ पर. गाइस तो हम लोग पहुँच चुके हैं मझापारा गाँव. और इधर आप देख सकते हो स्कूल भी है. दूसरा तरफ का मझापारा नहीं. हाँ मतलब स्कूल भी दिख रहा है सलगाबार. हाँ सलगाबार से जो ऑटो आ रहा है उस रास्ते में थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा तो राइट साइड. वहाँ का पेड़ है थोड़ा. हाँ साइड में महुआ गाछ है. महुआ गाछ. तो वहाँ से निकलेंगे अभी, थोड़ी दूर है. चलो. तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा टर्न है हम लोग का. पीछे से आओगे तो उधर आगे आप लोग को जाना नहीं है, आप लोग को राइट जाना है. इस तरफ उधर भी एक रास्ता है. तो हम लोग जाएंगे इस रास्ते पे राइट साइड. तो प्रो भाई तो आगे उधर वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग निकलेंगे साथ में दोनों. आइए फिर इंजॉय करते हैं साथ में. आज थोड़ा धूप नहीं है, मज़ा आ रहा है. तो गैस यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा सीधा जाना पड़ेगा. मेन रोड में आने के बाद एक कच्चा रास्ता माना पड़ेगा इधर. तो आप लोग को राइट साइड जाना नहीं है, इधर आप लोग कच्चा रास्ता में जाना पड़ेगा. तो यहाँ महुआ का पेड़ है आप देख सकते हो. तो इधर से सीधा आने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली कच्चा रास्ता. तो गैस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं. कहाँ बता दो. मजाक करते हो यार. बता दो. पहुंच गए हैं झरना का कहा बोलते हैं इसको, मेन पॉइंट. और अच्छा झरना है यहाँ पे. आप आके नहा सकते हैं, जो कर सकते हैं पिकनिक वगैरह, मस्ती कर सकते हैं. मस्ती कर सकते हैं. तो इसको बोलते हैं राचाकेर कोना. और जहाँ कोना पे ही है ये. कोना में ही है तो इसको राचाकोना बोलते हैं. तो हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा. आप देख सकते हो झरना यहाँ पे टावर वगैरह नहीं पकड़ता है. जियो का. हाँ वो तो है, नेटवर्क तो नहीं आता है. जियो का एक दो आता है. घूमने फिरने के लिए आ जाइए. तो हम देखते हैं इधर जाके तो पिकनिक वगैरह. हाँ अभी सकते हो. तो हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए शूटिंग. हाँ, यहीं पर करेंगे सोच रहे हैं. मस्त तो जगह है यार. और देखते हैं लोकेशन कैसा है. चल फिर. चल यार. तो गाइस यहाँ थोड़ा सीन देख सकते हो. उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है फिर भी. जब हम लोग को मेन पॉइंट जाना है उधर है. उधर हम लोग अभी चढ़ेंगे. प्रो भाई तो उधर नीचे वीडियो बना रहे हैं. तो निकलेंगे यहाँ से. आप देख सकते हो पानी किधर जाता है. तो चलो फिर ऊपर मिलते हैं. तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं. भाई आगे आगे वीडियो करते करते मैं पीछे पीछे. अब देख सकते हो तो सामने ही है हम लोग का. यहाँ मतलब हम लोग का सलगाबहार से होगा ये 10-12 किलोमीटर. सलगाबहार से ज़्यादा दूर नहीं है. और हम लोग का घर से तो हो गया 20 किलोमीटर. तो कभी घूमने उमने के लिए मन करेगा तो आइएगा. अच्छा जगह है, आप दिखाएंगे अभी. तो चलिए फिर. तो गाइस यहाँ थोड़ा देखिए आप लुक अच्छा दिख रहा है. पानी ऊपर से कैसे गिर रहा है. तो मैं यहाँ पर जाऊँगा. यहाँ से हम लोग उधर क्रॉस करेंगे. आप देख सकते हो मतलब पहली बार आया हूँ यहाँ पर.
पहले आया नहीं था, और आइए फिर मजा करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ से क्रॉस करके आ गया, आप देख सकते हो यहाँ से क्रॉस करके इधर आ गया हूँ इस साइड पे। तो गाइस मैं तो क्रॉस कर चुका, तो आप देख सकते हो पानी का झरना कैसे गिर रहा है। और जो पीछे घर दिख रहा है वो है आंगनबाड़ी, और इधर साइड तरफ गांव भी है, मतलब गांव सब है, मुझे तो मालूम नहीं क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूं। और भैया बोल रहे थे कि ये एक हिडन प्लेस है, मतलब बहुत लोग जानते नहीं है इस जगह को। और जो पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ से इधर हम लोग का उड़ीसा है, और पहाड़ से उधर झारखंड। ओ भाई तो मैं झारखंड पहुँच चुका हूँ, मतलब झारखंड बॉर्डर। तो अभी थोड़ा सा घूमेंगे, भैया तो पीछे हैं दिख भी नहीं रहे हैं, शायद वीडियो बना रहे होंगे। तो अभी उधर हम लोग जाएंगे ऊपर में झरना जहाँ पर है, उसके बाद देखेंगे थोड़ा फोटो वोटो हो लेंगे, फिर सीन वगैरह देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसके बाद निकलेंगे। पहले जाके मस्ती कर लेते हैं यार साथ में, आइए। गाइस तो मैं थोड़ा सुपर पहुंच चुका हूं, और यहां पर आप देख सकते हो मछली पकड़ने के लिए कुछ जुगाड़ किया गया है, मतलब यहीं का गांव का लोग लगाए हैं। और उधर भी आप देख सकते हो, उधर भी है और इधर भी, तो कुछ तो आइडिया है, मतलब क्या बोले थे, हम लोग भी करते थे जब हम लोग रंगाली में थे मामू लोग का घर में, तो हम भी ऐसे ही करते थे, जो चूली जो पकड़ गया था, चूड़िया बोलते थे उसको, हम बनाते थे फिर उसको लेके हम जाते थे खेत वगैरह में, ऐसे ही डाल देते थे। तो आप देख सकते हो इसमें तो बड़ा बड़ा लगा है पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो अच्छा है। तो लेट नहीं करते हैं, ऊपर जाएंगे हम लोग थोड़ा, और भैया तो कहाँ घूम हो गए पता नहीं यार, तो आइए घूमने के लिए ऊपर। गाइस तो मैं एक बार यहाँ पर आ चुका हूँ, हम लोग आए फोटो होने के लिए यहाँ पर आए थे, भैया तो उधर है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, ये जो पीस दिख रहा है, मतलब पत्थर का जो बड़ा सा, ये है एक अजगर का पीस, मतलब अजगर सांप का एक टुकड़ा है, और एक टुकड़ा है उधर मेरा उंगली के सीधा में देख सकते हो वो है, मतलब दो तीन पीसेस मेरा यहाँ पर है टुकड़ा जो मिल चुका है, जो यहाँ के लोग है पुरखे लोग है वो लोग बता रहे थे कि अजगर सांप का एक टुकड़ा है, मतलब काटा गया है। तो हो भी सकता है, ज़्यादा हिस्ट्री तो हम लोग को मालूम नहीं है, बस ऐसे ही घूमने के लिए आ गए थे, पर जो हम लोग को पता लगा आप लोग को बता दिए। तो अभी हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे ऊपर में, तो वो भी बोल रहे थे कि हाथी वगैरह है, मतलब आए हैं, तो देखेंगे, सेफ्टली जाना पड़ेगा हम लोग को, तो मिलते हैं ऊपर में, चलिए फिर। तो इधर आप देख सकते हो खरियान, अरे यार खरियान जो भी यहाँ पर धान उन और जितना हम लोग का धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, दाल वगैरह सब यहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बैल के साथ उसको निकालते हैं, मतलब क्या बता भी नहीं पा रहे हैं यार, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, हम छीलते हैं, मतलब इसमें दावरियाँ उवरी खेतते हैं उड़िया में, तो मतलब क्या बोलूँ, जब स्कूल में जाते थे तो हम लोग सादरी लैंग्वेज बात करते थे ना, इसलिए उड़िया भी नहीं बोल पा रहे हैं, हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं, इंग्लिश भी नहीं बोल रहे हैं इतना, छोड़ो फिर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक चूहे है, वहाँ पर एक चूहे है, तो हम लोग का जब पुरखा जमाना में करते थे अभी वही चल रहा है, मतलब चालू है कहीं कहीं पर गांव में, इससे हम लोग का सिचुएशन ऐसा है कि टेक्नोलॉजी अभी तक पहुँचा नहीं है, तो करते हैं हम लोग इधर भी करते ही हैं। तो अभी निकलेंगे ऊपर, ये तो एक स्कूल है यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ पैदल चलते चलते हम लोग पहुँच गए, और एक स्कूल प्राइमरी स्कूल है ऐसे लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है रचाकोना स्कूल, हिंदी में लिखा हुआ है यार, तो मुझे लगता है ये झारखंड एरिया पड़ता होगा, मतलब हाँ मतलब सामने पहुंच गए ना पहाड़ का, तो झारखंड एरिया होगा, तो हम देखेंगे, मन करेगा तो ऊपर चढ़ेंगे सोच रहे हैं, क्योंकि थक गए यार पैदल आते आते। तो भाई चढ़ेंगे कि नहीं, तुम बोलो, तुम्हारा मर्जी, तो इसको देखो, अरे शकल डाउन हो गया पैदल चल चल के थक गए यार हम लोग का, तो जो हम लोग पहाड़ देखने, हम तो सोच रहे थे आप लोग को झरना दिखाएंगे बोल के,
लेकिन ये झरना मिलता है हम लोग का उधर है आगे तरफ, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर होगा। नहीं झरना नहीं है वो, बहुत ही नदी जैसा है छोटा सा, मतलब झरना चाहोगे तो बहुत ज्यादा दूर है यार, मतलब उड़ीसा झारखंड मिलता है वहाँ पर। उसी को मैं तो सोच रहा था कि झारखंड दिखाने झरना दिखाने लाए है बोल के, तो झरना नहीं है वो, बस ऐसे ही एक जगह है ऐसा को ना जो पिकनिक वगैरह के लिए अच्छा है। तो भाई बोलो यार, हम तो थक गए, नहीं बोलेंगे और। ये मत गया और देखो ना घूमो कुछ भी। अभी करीब हो रहा है 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो हम लोग का सकल डाउन हो गए करेगा। इधर सीधा सीधा जाएंगे, इधर से यहाँ से हम लोग जाएंगे शॉर्टकट में, तो और थोड़ा दिखाएंगे अंदर का उधर का कैसे नदी बोलते हैं, वही झरना पानी आ रहा है उधर से। नहीं मैं तो दिखा चुका हूँ शायद, मैं मेरा चैनल में होगा शायद, क्योंकि मैं बता चुका हूँ यहाँ से जो मीट करता है जो झारखंड और उड़ीसा, मैं बता चुका हूँ शायद। और यही जो बोलते हैं यही झारखंड स्कूल, पकड़ लो इसी को, इधर से रचा कोना। हाँ ये रचा कोना, और उस साइड जो है ना पहाड़ के रचा कोना लिखा था, और वहां से उधर पकड़ेगा आप लोग का टावर पकड़ेगा उधर से, मतलब झारखंड बिहार हो जाएगा। अभी तो नेटवर्क नहीं है, एक एक पॉइंट दिखा रहा है, मतलब दोनों में एक एक खुटी खुटी सिग्नल। आके यहाँ पे रोना मत, जो इसका गर्लफ्रेंड है ना वो रोना मत भाई, यहाँ पे बात करने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ बता रहा हूँ नहीं है भाई। और जो जिसका गर्लफ्रेंड है वो लेके आओ यार, टाइम पास हो जाएगा आप लोग का, क्या बोलते हो भाई? नहीं और हम लोग को आइडिया मत दो भाई यार, आइडिया नहीं, जंगल है मत है ना, मत है ना, यहाँ पे मार पड़ेगा नहीं, इधर है बहुत सारा, यहाँ पे देखो इधर दिखा दो, इधर है बैल बकरी चला रहे हैं, मतलब गांव सब भी है, बहुत ज्यादा लोग भी रहते हैं झारखंड, लेकिन थोड़ा जंगल है, अब देख भी सकते हो इतना बड़ा पहाड़, अगर उधर थोड़ा सा क्रॉस कर लेते तो पहुंच जाते झारखंड, लेकिन करना नहीं है हमने तो रामरेखा जैसे वीडियो थोड़ी है, रामरेखा का जो नजर है ना भाई, मत बोलो वहां का, मैं दिल खुश हो गया, कभी मौका मिलेगा तो भाई को लेके जाएंगे, जाएंगे जरूर जाएंगे। हम लोग ज्यादा हॉस्टल में रहते थे ना तो इतना घूमे नहीं है, तो इसके साथ रहते रहते था घूम रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, सोच रहे हैं मैं जो मतलब टूर गाइडर हूँ। ओके भाई तो देखें इधर थोड़ा सा घूम घाम के सीन वगैरह दिखाते हैं, तो क्या बोला फिर, चलो चलिए। गैस में तो सोच रहा था झरना वरना होगा पर है, लेकिन बहुत पीछे है तो हम लोग उधर नहीं गए, जो है हम लोग का एक जगह है यहीं पर, तो यहाँ गांव वगैरह भी है, स्कूल वगैरह भी है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ मतलब पिकनिक वगैरह मनाते हैं या पार्टी वगैरह करते हैं, तो भैया यहाँ घुमाने के लाए थे, मुझे नहीं मालूम था और क्या बोले फिर, तो हम लोग घूम लिए, अब यहाँ से जाएंगे, तो किसी किसी को अगर आना है घूमने के लिए तो आइए जरूर। धूप इतना जह रहा है कि मेरा सकल डाउन हो गया, और फिर क्या बोलो, चलो फिर आगे मिलते हैं, भैया तो आगे आगे जा रहे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। आज का टूर मेरा ख़त्म, दोनों का भाई तो पीछे हैं वीडियो बना रहे हैं, तो आज हम लोग आए थे छोटे मोटे जगह पर, लेकिन अच्छा है पिकनिक वगैरह के लिए, हम तो सोच रहे थे आप लोग को झरना वगैरह दिखाएंगे, मुझे मालूम नहीं था झरना बहुत दूर है, तो हम लोग घूमे थोड़ा सा मस्ती भी किया, मैं तो थक चुका हूँ ऑलरेडी, तो आइए कभी घूमने के लिए, जगह तो अच्छा है, मतलब झरना तो आ ही रहा है, और पिकनिक वगैरह के लिए या घूमने के लिए तो अच्छा ही है, मतलब आप लोग तो देख ही लिए कैसा है जगह, तो चलिए फिर मिलते हैं घर में, और अभी तो निकलेंगे दोनों। तो गाइस हम लोग अभी संगावर पहुंच चुके हैं,
तो पीछे हम लोग इधर मार्केट तरफ जाता है और इधर अभी हम लोग गए थे सिमडेगा रांची उधर ही जाते और इधर कुतरा बिहार बंद। तो यार भाई कुछ बोलोगे? क्या बोलेंगे, यहाँ का जो आप लोग भी बाजार दिखाए थे आपको भाई, चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहाँ का देखिए, यहाँ पे जो है बाजार इस साइड में जाता है, पीछे पीछे है और संडे को लगता है। और अंडे खाने का भी आ जाइए। आज आज संडे है, आज लगा है बाजार, मतलब मार्केट, आप देख सकते हो भीड़ भड़ा का। शायद इस वीडियो को कल नहीं तो परसों भी अपलोड कर, क्योंकि यार बहुत प्रोग्राम है तो एडिटिंग करने में थोड़ा लेट हो जाता है। लेट हो जाएगा, आज शाम को भी प्रोग्राम है, जाना पड़ेगा हम लोग। तो देखेंगे आज, एक्चुअली बुलाते रहते हैं ना कि आना भाई लोग वीडियो वगैरह करने के लिए, तो हम लोग जाते हैं, अच्छा लगता है। और जिसको भी मतलब बात उत करने का मन करता है तो आइए इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, बात करेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा तो आप लोग वहाँ पे जाके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हम लोग से। ओके, तो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं यार, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो मिलते हैं बाद में दूसरा वीडियो में, दूसरा वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।